शहीद सीतू जंगा है समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय से गुफ्तगू कर रहा हूँ। और इस वक्त पूरे देश में महामारी फैली हुई थी कोरोना, और पूरा कोरोना महामारी को फैलते हालात में कैसे आपने मुकाबला किया है, और जो वैक्सीन की चारों तरफ महामारी फैली हुई है लेने के लिए इस संबंध में आपने क्या प्रयास किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, पहले मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूँगा कि आज इस समय हमारे ब्लॉक में कोविड की केस नहीं है, लगातार हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं, और हमारी एक योजना के तहत रैपिड रिस्पांस टीम भी है, हमारी वैक्सीनेशन टीमें भी हैं, जो चरण पर इस तरह से हर जगह इस अहमदाबाद ब्लॉक में बराबर हर जगह वैक्सीन कराती हैं, और हम लोग का खुद का प्रयास रहता है कि वैक्सीनेशन चलता रहे, और 1,30,000 के ऊपर आज की डेट में हम लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। मुझे उम्मीद है कि आंकड़ा जल्दी 1,50,000-2,00,000 के पार होगा, और हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन टीम भेज भेज कर हम हर जगह वैक्सीन जो है उपलब्ध कराएं, और जो छूटे हुए लोग हैं उनका वैक्सीनेशन जल्द से जल्द। आपने बनाया था कि ट्रामा सेंटर पे कि हम प्लांट लगाएंगे इसका ऑक्सीजन का, समझ में कहां तक कार्रवाई है? अभी यहां पर आप देख रहे होंगे यंशट आ चुका है और प्लेटफॉर्म रखा जा चुका है, सिविल वर्क अभी प्रगति पर है, उसको सूचित कर दिया गया है, मैंने अपने उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर इनके प्राप्त होने हैं, और आईसीयू सेटअप यहाँ पर कर दिया गया है। अगर कोई भी आशंका के तहत अगर थर्ड वेव आती है तो हमारे पास सभी इंतजाम हैं, दवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं स्टेट से, और उम्मीद है कि हम लोग जो है सभी तरह की व्यवस्थाएं अपने मरीजों को इस बार फिर से हमेशा की तरह। मैं आपको कहना चाहूंगा और याद दिलाने जाऊंगा कि गाजीपुर का जो प्रथम कोरोना केस थे यही इसी हॉस्पिटल में लिया था। शहीद सीतू जंगा है समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय से गुफ्तगू कर रहा हूँ। और इस वक्त पूरे देश में महामारी फैली हुई थी कोरोना, और पूरा कोरोना महामारी को फैलते हालात में कैसे आपने मुकाबला किया है, और जो वैक्सीन की चारों तरफ महामारी फैली हुई है लेने के लिए इस संबंध में आपने क्या प्रयास किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, पहले मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूंगा कि आज इस समय हमारे ब्लॉक में कोविड की केस नहीं है, लगातार हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं, और हमारी एक योजना के तहत रैपिड रिस्पांस टीम भी है, हमारी वैक्सीनेशन टीमें भी हैं, जो चरण पर इस तरह से हर जगह इस अहमदाबाद ब्लॉक में बराबर हर जगह वैक्सीन कराती हैं, और हम लोग का खुद का प्रयास रहता है कि वैक्सीनेशन चलता रहे, और 1,30,000 के ऊपर आज की डेट में हम लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। मुझे उम्मीद है कि आंकड़ा जल्दी 1,50,000-2,00,000 के पार होगा, और हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन टीम भेज भेज कर हम हर जगह वैक्सीन जो है उपलब्ध कराएं, और जो छूटे हुए लोग हैं उनका वैक्सीनेशन जल्द से जल्द। आपने बनाया था कि ट्रामा सेंटर पे कि हम प्लांट लगाएंगे इसका ऑक्सीजन का, समझ में कहां तक कार्रवाई है? अभी यहां पर आप देख रहे होंगे यंशट आ चुका है और प्लेटफॉर्म रखा जा चुका है, सिविल वर्क अभी प्रगति पर है, उसको सूचित कर दिया गया है, मैंने अपने उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है।
ऑक्सीजन सिलेंडर उनके प्लेटफॉर्म में है और आईसीयू सेटअप यहां पर कर दिया गया है। अगर कोई भी आशंका के तहत अगर थर्ड वेव आती है तो हमारे पास सभी इंतजाम हैं, दवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं इस फील्ड से और उम्मीद है कि हम लोग जो है सभी तरह की व्यवस्थाएं अपने मरीजों को इस बार फिर से दे सकते हमेशा की तरह। मैं आपको कहना चाहूंगा और याद दिलाने जाऊंगा कि गाजीपुर का जो प्रथम कोरोना केस थे यही इसी हॉस्पिटल में लिया था।